हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, जो पिछले साल के सॉल्व अनसॉल्व पेपरों को हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं कि जो पीछे गए थे, बेसिकली ये NBS TGT 2014 का पेपर है कि NBS TGT में 2014 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। पहले जो है 200 क्वेश्चन का सेट होता था। आइए देखेंगे कि किस पोर्शन में कितने क्वेश्चन मिलेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम केवल सब्जेक्ट के जो अपना सब्जेक्ट जो इंग्लिश है उसके 80 क्वेश्चन जो पहले पूछे जाते थे उस 80 क्वेश्चन पर हम डील करेंगे। बाकी 120 क्वेश्चन जो आपके कॉमन पेपर के हैं उसका नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लेके आएंगे। बेसिकली जब हम देखें इसके पार्ट को, डिस्क्रिप्शन को, तो देखिए यहाँ पर बुकलेट है। बुकलेट में आप देख लेंगे कि आपको 2.5 घंटे का समय दिया गया, टोटल 200 मार्क के हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें इस तरह से कि इसमें पार्ट वाइज जो डिवीजन किया गया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पार्ट ए में देखिए लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। ये सेक्शन जो है कंपल्सरी होता है, इसमें पास होना पड़ेगा इस बार। और जो इसमें दिए गए थे सेक्शन बी में 80 क्वेश्चन दो दिए गए थे, जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के और टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन। यानी टोटल 30-60-80 प्रश्न सेक्शन बी में आए हुए थे, यानी टोटल 120 हो गए। बाकी 121 से 200 तक आपके सब्जेक्ट नॉलेज थी, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। यानी जो इंग्लिश का यह पेपर है, बेसिकली देखेंगे NBS के जो 2014 का पेपर यह है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर इस पेपर को आप PDF के थ्रू मंगवाना चाहते हैं तो आपको PDF में इसकी प्रोवाइड करा दूंगा कि PDF क्या है। तो इसकी PDF के लिए सिंपली आपको 7007354360 पर व्हाट्सएप करेंगे कि TGT NBS 2014 लिखेंगे तो आपको पेपर वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा NBS की तैयारी के लिए हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चे ने लिया था और काफ़ी सफलता हासिल की थी। तो नोट्स के लिए सेम प्रोसीजर है, अगर नोट्स, स्टडी मटेरियल और क्लास नोट्स अगर आप लोग को चाहिए है तो आप उसके लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं। सेम नंबर हमारा 7007354360 पे आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल पूरी वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। कितना स्टडी मटेरियल, सिंपली अपना स्टेट और नाम लिख के भेज देंगे तो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो सब्जेक्ट के इंग्लिश लिटरेचर के कितने क्वेश्चन पूछे गए तो उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको इसके कॉमन के ईयर के पेपर को आपको मिल जाएगा, कॉमन कैसे पेपर पूछे जाते हैं अवेयरनेस में। ठीक, पार्ट 1 में ये हम लोग सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए ये पेपर, इसको हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं और सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका पार्ट 2 में हम लेके आएंगे। 121 से हम लोग को देखना है, 121 से हम लोग देखेंगे। बाइलिंगुअल पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है तो इसको ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। अब 121 से देखेंगे कि क्या लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आ रहा है, हु रोट ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ये यानी पहले जो मैंने पिछले पेपर में बताया था कि वर्क से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वर्क आप लोग को तैयार रहना चाहिए जो मैंने नोट्स में मेंशन ऑलरेडी किए हुए हैं। तो ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट है, सीधे हमारे नोट्स से ही क्वेश्चन पूछा गया है। जिन्होंने नोट्स लिया होगा मेरा, सीधे वहीं से दिया गया है। TS एलियट इसका सही आंसर है। किसने लिखे हैं? TS एलियट, ना कि सल्विया पाथ, वालेक स्टेवन, WH एडन, नहीं, TS एलियट का यह वर्क है। आप लोग देखेंगे इसको। 122 में देखें, द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर हु कैन ऑन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। उस मैथमेटिशियन फिलोसफर का क्या नाम था जो नोबेल प्राइज जीते थे लिटरेचर के लिए? सिंपली एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बर्ट्रांड रसेल। रसेल जी को एक मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे जो नोबेल प्राइज जीते थे। देखिए सीधे सीधे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। 123 पर देखते हैं, द फिक्शन इरा क्रिएटेड बाई एल्डस हक्सले इन द इपोक मेकिंग नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो इपोक मेकिंग नॉवेल था, द फिक्शनल इरा था, उसमें कौन से? आफ्टर डार्विन, आफ्टर मैक्स, आफ्टर फोर्ड, आफ्टर अर्मागेडॉन। तो ये किसके बाद ये जो है ब्रेव न्यू वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आया? तो इसका सही हो जाएगा आफ्टर फोर्ड, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो अगर चलें 124 में, तो 124 में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। द थिएटर विच इट्स लॉन्च इन 19
04 विद द एसोसिएट ऑफ जेएम सिंजे। उस थिएटर का नाम बचाना है जिसको इट्स ने डब्ल्यू बी इट्स ने लॉन्च किया था 1904 में, किसके साथ? जेएम सिंजे के साथ। तो इसका सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे मिला है कि क्या है डरबरी लेन थिएटर है कि रॉयल कोर्ट थिएटर है कि रोज है, क्या इसका? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है अब्बे थिएटर। ए आयरिस एक थिएटर रहता है आयरिस के साथ, जो 1904 में जेएम सिंजे के साथ मिलके डब्ल्यू बीट्स से लॉन्च करते हैं, यानी 124 का अब्बे थिएटर। ये भी क्वेश्चन हमारी नोट से मिला है। अगर आपको नोट से स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको सेम वही करना जो मैंने ऊपर बता दिया, या डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दे दूँगा, वहाँ से व्हाट्सएप से आप स्टडी मटेरियल पूरा कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट सिक्स ईयर के पेपर भी रहेंगे। अगर केवल आपको यही पेपर चाहता है इसका पीडीएफ भी आप मंगवा सकते हैं। 125 में देखें, न्यूज पीक इन द आर्टिफिशियल लैंग्वेज डिजाइन टू डिमिनाइज द रेंज ऑफ थॉट इन विच बुक कैन वी रीड अबाउट। यानी ये किस बुक में ये बात करते हैं? न्यूज वीक में जो यहाँ कोटेशन दिया गया लैंग्वेज है डिजाइंड टू डिमिनाइज टू रेंज ऑफ थॉट, ये वाली इन विच बुक कैन यू रीड अबाउट इट, इसके बारे में किस बुक में? तो वह बुक रहती है, उसका नाम ही रहता है 1984। इसका सही आंसर 1984 आपका है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1984। अब चलते हैं आगे 126 पे। 126 देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल टेक द टाइटल ए वर्क ऑफ जॉन बनियान। जॉन बनियान के वर्क से किस नॉवेल का एक टाइटल लिया गया है? तो इसका देखिएगा, डोम्बे एंड सन, वैनिटी ऑफ फेयर, लॉर्ड जिम, जेन एरी। तो आप देखेंगे कि जॉन बनियान का इसमें एक ही वर्क है, वैनिटी ऑफ फेयर से टाइटल लिया गया है। 126 का आपका बी हो जाएगा। द आगे देखते हैं 127 का, द स्ट्रगल फॉर रेडिकल सोशल रिफॉर्म इन द 19th सेंचुरी फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ, जो स्ट्रगल था रेडिकल सोशल जो सोशल रिफॉर्म के 19th सेंचुरी में बैकग्राउंड, किसके बैकग्राउंड पे लिखा गया? अब इसका देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेलिक्स हॉल्ट। देखिए कहाँ से क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, इन मेमोरियम। देखिए ये क्वेश्चन सीधे नोट से ही पूछा गया, इन मेमोरियम वॉज रिटन इन द मेमोरियम। ये जो हमारा 128 का देखिए, इन मेमोरियम किसके मेमोरी पे लिखी गई? किड्स की मेमोरी पे, कि थॉमस आर्नोल्ड की, या पी वी सैली की? इन मेमोरियम जो एलजी है बेसिकली लिखी गई एच हेलम। इसका सही आंसर डी फॉर डॉग, सही आंसर हो जाएगा 128 का डी। देखिए क्वेश्चन कैसे ही इतना पूछे जा रहे हैं। अब अगला करेक्टर सीसी जूप इज अ करेक्टर, जो सीसी 129 पे देखिए, सीसी जूप जो करेक्टर है कहाँ से लिया गया है 129 का? तो सीधे सीधे सीसी जूप जो हार्ड टाइम में आता अपेयर होता है सीसी जूप, तो थॉमस हार्डी की नॉवेल है हार्ड टाइम, उसमें ये अपेयर होता है। 130 को अगर देखेंगे, 130 में क्या दे रहा है, 130 में दे रहा है आपका द राइटर हु रोड द पोएम इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बीस्ट। उस राइटर का क्या नाम रहता है जो डब्ल्यू बीस्ट की मेमोरी पे पोएम लिखे रहते हैं 130? तो सीधे से डब्ल्यू एच ऑर्डन, ऑर्डन जी इनकी मेमोरी पे पोएम लिखे रहते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न था। 138 पर देख लेते हैं, पूरा 200 क्वेश्चन करेंगे साथियों, पूरा अंत तक बन रहे, पेपर का एक आइडिया आपको लग जाएगा। 138 का देखें, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिटिकल मूवमेंट वॉज जी बी सो एसोसिएटेड, यानी किस पोलिटिकल मूवमेंट से ये एसोसिएटेड थे? तो सीधे सीधे आपको आंसर, अगर आप जी बी सा पढ़े होंगे, आयरिश मूवमेंट पढ़े होंगे, तो सीधे सीधे फेबियन सोसाइटी से ये बिलोंग करते थे, फेबियन सोसाइटी एंड सीपो कैट। कैट आंसर सही हो जाएगा ये 131 का। 132 का देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी फास्ट देखेंगे, द करेक्टर हुज निक नेम इज रैबिट एंड ऑर्डिनरी मिडिल क्लास मैन लॉस्ट इन द स्टेरिलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इस फीचर ऑफ द वर्क। देखिए जो रॉबिट करेक्टर रहता है, रॉबिट और निक नेम जिसका रॉबिट रहता है, वह काफ़ी मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जो अपने वर्चू को खो देता है, तो वह किसका रहता है? तो इसमें दिया गया सेम्लुब्लो, सिमिलचे लॉ, एक्सले, यूपीडिक। तो ये यूपीडिक आपका सही आंसर, 132 का यूपीडिक सही आंसर हो जाएगा। 133 देख लेते हैं,
सी ऑफ पॉपीज इज रिटेन बाय, सी ऑफ पॉपीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए देखेंगे 133 में इसका पहला ऑप्शन सही है, अमिताभ घोष के द्वारा सी ऑफ पॉपीज लिखी गई है। एंग्जाइटी ऑफ इंसुलेंस इज द टर्म क्वाइंड बाय, एंग्जाइटी ऑफ इंसुलिन जो टर्म क्वाइंड किया गया है हेरोल्ड ब्लूम के द्वारा किया गया है। 135 का देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मुलिस्टिक क्रिटिक, अब जो इसमें से फॉर्मुलिस्टिक क्रिटिक कौन रहते हैं देखेंगे, एर्नोल्ड नॉर्थर फ्राय इम्सन, इम्सन फॉर्मुलिस्टिक क्रिटिक रहते हैं। 136 में देख लेते हैं, ऑफ द फोर सेमिनल फेमिनिस्ट टेक्स विच वन इज रिटन बाई ए मैन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द एसे ऑन द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, इसका यानी सी 136 का डी ऑप्शन सही होगा आपका। पैराडॉक्स एंड सेंसन टेंशन एंड क्रिटिकल टर्म प्रमोटेड बाय, जो पैराडॉक्स और टेंशन जो क्रिटिकल टर्म थे किसके द्वारा प्रमोट किए थे, टेट एंड ब्रूक, इसका सही आंसर ए फॉर अमेरिका सही आंसर हो जाएगा टेट एंड ब्रूक। According to the Coleridge, what is the dissolved, diffuse and dispersed in order to recreate and to unify? तो ये जो ये बताते हैं Coleridge, तो ये इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी में से इनकी क्वालिटीज हैं, डिजॉल्व डिस्प्यूट एंड डिस्पाइट, तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा सेकेंडरी इमेजिनेशन, नॉट की फैंसी, फैंसी तो होगा ही नहीं। ठीक, द लॉन्ग रिवोल्यूशन इज रिटन बाय, देखिए एक वर्क सीधे सीधे हमारे नोट से फंसा है, द लॉन्ग रिवोल्यूशन मैंने नोट्स में इसको मेंशन किया हुआ था, इस वर्क को नोट्स और स्टडी मटेरियल में इस वहाँ से फंसा है, किसके द्वारा लिखी गई, 139 का द लॉन्ग रिवोल्यूशन रेमंड विलियम के द्वारा इनका वर्क रहता है, रेमंड विलियम का। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, अगर आपको हमारी नोट्स चाहिए तो आप सिंपली 7007354360 पे अपना नाम और स्टेट का नाम लिख के भेज देंगे, तो आपको यहाँ पे दोनों मोड में, पीडीएफ मोड में इनक्रिप्टेड फाइल या ऑफलाइन मोड में नोट्स आपके एड्रेस पे पहुँचा दी जाएगी, उसका प्रोसेस वहाँ पे बता दिया जाएगा। 140 पे देख लेते हैं क्या है, डिफरेंस इन क्रिटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो डिफरेंस और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, 140 का देखिए, 140 का सीधे सीधे आप देखेंगे फूको है, लकान, एडवर्ड सहीद है, डेरिडा, तो ए डिफरेंसेस जैक डेरिडा ने यहाँ पे दिया है। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से भी कुछ क्वेश्चन एनबीएस में पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब जो 2016 का पेपर हमने डिस्कस किया उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा था, या 2014 का है, या एनबीएस 2014 का पेपर है। ठीक, 141 पे देख लेते हैं, विच डिवाइस हैज बीन यूज इन द लाइन्स सक्सेस इज काउंटेड ट्विस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सेस्ड, ये इमली डिकिंसन की लाइन है, काफ़ी अच्छी लाइन है, और इसमें क्या बताया गया है, कौन से डिवाइस, यानी ये फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है कि हाइपरबोल है, एम्बिग्यूटी है, कंसिस्ट है, पैराडॉक्स है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में करिए, और नहीं तो मैं इसको बताऊंगा ही कि इसका क्या आंसर है। तो बेसिकली इसमें जो है पैराडॉक्स की बात की जा रही, विरोधाभास की रही, सक्सेस सुटेड नेवर सक्सीड की बात की जा रही, पैराडॉक्स है। डार्कनेस विजुअल एंड फेयरफुल जो है आर एग्जाम्पल ऑफ, देखिए इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच ही पूछी जा रही है, तो इसमें आपका सीधे सीधे ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास यहाँ पे थोड़ा सा है, तो ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे भी हो जाएगा। 143 का देखें, हु ऑफ द फॉलोइंग इज सपोज टू बी द एक्सपोनेंट ऑफ द थीरी ऑफ दावनी, देखो जो ये है इसकी थीरी से, दावनी की डिवाइन की थीरी से कौन इसमें प्रभावित है, तो इसका सीधे सीधे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आनंदा वर्धना, ये इसका सही आंसर है, ये नया इंडियन माइथोलॉजी से नया क्वेश्चन पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रामेटिक मोनोलॉग, कौन सा इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बता दिया है, यूलिसिस, फ्रालिपोलिपी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, देखिए जैसा कि आपको पता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इसको बिलोंग करते थे, तो फ्रालिपोलिपि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यूलिसिस भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और लव सॉन्ग अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो एक ही आपका मिल्टन का जो है कॉन्सेप्ट आता है 17वीं शताब्दी में ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, ठीक है, सॉनेट है बेसिकली। अब देखेंगे 145 पे चलेंगे, 145 क्या कर, द पेन इज माइटर देन सॉर्ड, बेसिकली ये फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको मिल गया पेन इज माइटर देन सॉर्ड, सीधे सीधे मेटोनमी है, अगर आप लोगों ने रेनन मार्टिन पढ़ा होगा या माई नोट्स में, तो इसको मैंने मेंशन किया हुआ है, मेटोनमी है।
हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट क्वाइन द वर्ड याहू, कौन इसको याहू को नहीं दिए रहते हैं। डिड क्वाइन द वर्ड याहू, याहू को कौन इसमें कॉन्सेप्ट को दिए रहते हैं। तो आपको जैसा ही पता होगा याहू का कॉन्सेप्ट स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट जो होती हैं उनके जो वर्क रहता है उसमें दिए रहते हैं। इन्होंने अपने वर्क में याहूज को दिखाए हुए रहते हैं, लिलीपुट गुलिबर लिलीपुट ट्रेवल में जो दिखाए रहते हैं। द प्राइम ऑफ मिस जेन बॉडीज रिटन बाई ब्रॉडीज रिटन बाई, जो कि द प्राइम ऑफ जेन बॉडीज किसके द्वारा लिखी गई हैं, सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो आपका हो जाएगा मुरली स्पीक के द्वारा, मुरली स्पीक स्पार्क के द्वारा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, उनका वर्क है यानी 147 का बी, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर है। 148 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉवेल इंग्लिश रिटन इंडियन राइटर, इंडियन राइटर की पहली नॉवेल कौन सी रहती है, वो आप 148 का आप जा सकते हैं, राजमोहन्स वाइफ, इनका पहला इंग्लिश रिटन वर्क रहता है, जो राजमोहन वाइफ इनका वर्क रहता है इंडियन राइटर का जो इंग्लिश में लिखा गया रहता है। 149 का देख लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज रिटन बाय सर अरबिंदो, काफ़ी इंडियन राइटर से अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर अरबिंदो के द्वारा कौन सा एक वर्क लिखा गया है, तो 141 का द फ्यूचर पोइट्री इनका ही वर्क है, फ्यूचर पोइट्री एंड डी फोर डॉग 149 का सही हो जाएगा। 150 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाई राजा राव के द्वारा कौन सा वर्क लिखा गया, ये भी क्वेश्चन हमने राजा राव के वर्क में मेंटेन किया हुआ है, तो इसका सीधे सीधे जो मीनिंग ऑफ इंडिया इसका पहला ऑप्शन ही सही है। इन 2013 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर अवार्डेड बाई टू, अच्छा 14 का पेपर है और 13 में किसको नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज भी आप लोग देख लीजिएगा कि 2022 में अगर दे रहे हैं तो 21 में किसे दिया गया, 13 में किसको नोबेल प्राइज दिया गया है, तो आप लोग उस समय का जो 13 का देखेंगे तो एलिस मुनरो को उस समय नोबेल प्राइज दिया गया था। 152 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर वॉज गिवेन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, इन साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी 2013 में पूछा गया है किसको दिया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो उस समय साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया सलीम सिनाई को दिया गया था, सलीम नहीं इसमें नहीं 152 का दिया गया है ना, 152 का साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो इसमें दिया गया था उस समय टिमसुल्लाओ को दिया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड। द सेंट्रल करेक्टर रसदीर के जो मिड्स नाइट चिल्ड्रेन है, तो मिड्स नाइट चिल्ड्रेन का सेंट्रल करेक्टर कौन रहता है, तो वो हो जाएगा सलीम सिन्हा, उसका मेन करेक्टर रहता है सलीम सिन्हा। ठीक, आगे देखिए 154 पर बात कर लें, तो 154 क्या कह रहा है, द गनी सेक इज रिटन बाई, गनी सेक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका एमजी बेसांजी इसके द्वारा ये लिखी गई है। देखिए थोड़ा क्रिटिकल वर्क पूछे ही जा रहे हैं, वर्क के नाम इसमें पूछे जा। 155, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल रिटन बाय मार्गरेट एटवुड, मार्गरेट एटवुड के द्वारा कौन सी नॉवेल लिखी गई है, सीधे सीधे द हैंडमेड टेल, मार्गरेट एटवुड का ये वर्क रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज द सिक्वल ऑफ चिनुआ चेबे, देखिए चिनुआ चेबे से भी क्वेश्चन पूछ लिया सीधे, थिंग्स पाले पार्ट द सिक्वल नॉवेल कौन सा रहता है, ये पूछ लिए थे कि उसके बाद सिक्वल उनका कौन सा रहता है, तो नो लॉन्गर्स एट इज इसका सिक्वल नॉवेल रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, जुलाईज पीपल इज नॉवेल रिटन बाय, जुलाईज पीपल किसका वर्क है, तो इस सीधे सीधे इसका नेडाइन गोल्डिमर का ये वर्क है, ये भी आपके अफ्रीकन राइटर में ही आते हैं। ठीक, 158 का देख लेते हैं, हु इज़ द फॉलोइंग राइटर इज क्रेडिटेड टू हैविंग क्वाइंड टर्म साइबर स्पेस, देखिए लिटरेरी टर्म से काफ़ी अच्छे साइबर स्पेस के टर्म को किसने दिया था, विलियम गिब्सन, सीधे सीधे ऑप्शन सी पर कलकत्ता, विलियम गिब्सन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द प्ले बॉय वेस्टर्न वर्ल्ड इस प्ले बाई, देखिए जे एम सिंजे, बिना इसको सबने एमए में और पीजी के सिलेबस में इसको मेंशन किया गया है, पीजी या यूजी में है तो आपके सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया, तो प्ले बॉय 159 का हो जाएगा जे एम सिंजे। 60 का देखते हैं, द टाइम मशीन इज नॉवेल रिटन बाई, टाइम मशीन जो नॉवेल है किसके द्वारा लिखी गई है, ये एच जी वेल्स का नॉवेल है, काफ़ी मॉडर्निस्टिक कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया गया, आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। अगर आप लोग इसी बेस पे जो पैटर्न पूछा जा रहे हैं बेस का अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग हम डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ पे आपको मिल जाएगा कैसे आपको नोट्स लेना है। अगर सिंपली अगर आपको ऐसे ही नोट्स मंगवाने हैं तो आप 7007354
360 पे आप नोट्स और पीडीएफ, इस पेपर का पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो वहाँ पे पीडीएफ उसको प्रोवाइड करा दी जाएगी। रोलैंड बाथ, देखिए क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन, रोलैंड बाथ इज द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। रोलैंड बाथ जो रहते हैं वो किसके ऑथर रहते हैं? द डेथ ऑफ द ऑथर के रोलैंड बाथ का ही वर्क है। तो क्या लिखा है? द ब्रदर्स करमाजो ये फेमस नॉवेल रिटेन बाई, जो ब्रदर्स करमाजो किसकी नॉवेल है जो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सी फोर डोटोस्काई के द्वारा लिखी गई है। ठीक, द वेस्ट लैंड इज़ अ फेमस पोएम टी एस एलियट डिवाइडेड इनटू, यानी वेस्ट लैंड जो लिखी गई है कितने पार्ट में डिवाइड है? या सीधे सीधे फाइव पार्ट में, यानी पांच सेक्शन में डिवाइड की गई है। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये भी हमने इसको मेंशन किया हुआ है। अगर 164 पे देख लेते हैं, हु इज़ द फॉलोइंग सेड मिल्टन बिलोंग टू डेविल्स पार्टी। ये देखिए मिल्टन बिलोंग टू डेविल्स पार्टी, सीधे सीधे माई नोट्स में मैंने मेंशन किया, विलियम ब्लैक ने इसको कहा है, विलियम ब्लैंक के द्वारा। स्टॉप एंड रिपोर्ट आर द थ्री पार्ट, या किसके पार्ट हैं? थ्री पार्ट किसके पार्ट हैं? ये जो पूछा जाता है स्टॉप या किसके पार्ट हैं, सीधे सीधे आपके क्लासिकल ओड के पार्ट हैं। ओके, 166 पे चलते हैं। 166 का क्वेश्चन है, द वेल रॉट अर्न इज रिटेन बाय, या किसके द्वारा वर्क रिटेन की गई है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, क्लिंट ब्रुक का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, आप लोग क्रिटिसिज्म से भी एक क्वेश्चन था, इसको भी देख लेते हैं। द सोल ऑफ द ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, जो ट्रेजेडी की आत्मा होती है क्या होती है? करेक्टर अरिस्टोटल ने डिफिनेशन दी है कि ट्रेजेडी इज लिमिटेशन ऑफ एन एक्शन थ्रू पिटी एंड पियर। तो उसमें बताते हैं कि ट्रेजेडी की आत्मा क्या होती है, तो ट्रेजेडी की जो आत्मा मेन प्लॉट पर डिपेंड करती है, यानी सोल ऑफ द ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल है। द ऑथर ऑफ द हंगर टाइड, द हंगरी टाइड किसका वर्क है? 168 पे देखते हैं, तो यह अमिताभ घोष का वर्क है। तो आपको कहीं ना कहीं इंडियन राइटिंग पे एक अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे अरबिंदो की बात कर लें, चाहे मुल्क राज आनंद की बात कर लें, चाहे अमिताभ घोष की, ऐसे राइटर हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। द वुमेन कैरेक्टर हु इज एन आर्टिस्ट बाई प्रोफेशन वर्जीनिया वुल्फ टू लाइट हाउस, लाइट हाउस में मिसेस डोलोवे या मिसेस रैमजे या लिली ब्रोस्को ब्रिस्को एंड मरियम कौन रहता है? तो सीधे सीधे 169 का आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो रहते हैं, पहला जो आर्टिस्ट रहती है लिली ब्रिस्को ही रहती हैं, मिसेस रामजे नहीं, लिली ब्रिस्को ही इसमें सही आंसर होगा। 170 की बात करें, द पोएट हु डिस्क्राइब द पोएट्री एंड इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, वो पोएट कौन रहते हैं जो पोएट्री को क्या बताते हैं? इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। तो वो आपका 170A का सी इजरा पॉन्ड इसको काफ़ी अच्छे से डील करते हैं। द पोस्थमिसली पब्लिश नॉवल जेन एस्टन, जेन एस्टन के द्वारा पोस्थमिसली नॉवल मैन मरने के बाद, पोस्थमिसली का मतलब जो मरने के बाद पब्लिश होती है नॉवल, तो वो नॉवल है नॉर्थेंगर एबे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवल है। ठीक, नोट्स में ये भी हमारे नोट से ही, अगर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहते हैं आप लोग तो सिंपली मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मोबाइल नंबर मिलेगा, वो दे देंगे। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, 7007354360 पे भेज के आप इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं। 172 पे देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। थॉमस कार्लाइल का सार्टर रिसार्टर मीन्स, जो सार्टर रिसार्टर थॉमस कार्लाइल ने वर्क लिखा है उसका क्या मतलब रहता है? तो इसका सीधे से मतलब है द टेलर रिटेलर्ड, इसका सिंपली मतलब यही है। 170 द थिएटर ऑफ क्लुअरिटी, थिएटर ऑफ क्लुअरिटी से कौन एसोसिएटेड थे? थिएटर ऑफ क्लुअरिटी एक टर्म आया रहता है, उससे कौन? एंटोन आर्टर ए इससे क्या संबंध रखते थे? यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज एग्जाम्पल ऑफ, फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, क्राउन फॉर द मोनार्की ऑफ मोनार्की इज एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है? तो ये सीधे सीधे मेटोनमी, पेन इज माइटर देन थॉट, या कुछ क्राउन आ जाए, पेन आ जाए, ऐसे तो आप सीधे मेटोनमी को क्लिक करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क राइटिंग इज डेवलप्ड बाई, आर्क राइटिंग का कॉन्सेप्ट लिटिएचर से काफ़ी क्वेश्चन और क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आर्क राइटिंग का कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो जैक्स डरेडा ने ही दिया था, टेक्सचुअलिटी को बताया था। टेबल टॉक इज द कलेक्शन ऑफ एसे, टेबल टॉक एक जो है किसके द्वारा, टेबल टॉक विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम भी है, लेकिन एक टेबल टॉक किसकी बात कर रहे हैं, टेबल टर्न उनकी पोएम है। टेबल टॉक कलेक्शन ऑफ एसे रहता है, किसके द्वारा आया रहता है? तो सीधे सीधे इसका विलियम हेजलिट ने इसको लिखा हुआ था। डॉक्टर जॉनसन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज,
वॉज पब्लिश इन द ईयर, डॉक्टर जॉनसन की इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी 1755 में ये पब्लिश की गई थी, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। विली लेमन लॉमैन इज अ करेक्टर इन, जो विली लॉमैन करेक्टर आता है किस नॉवेल का करेक्टर है अगर इसको देखेंगे तो विली लॉमैन डेथ ऑफ ए सेल्समैन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले वॉज रिटन बाई सैमुअल बकेट, सैमुअल बकेट के द्वारा कौन सा प्ले लिखा गया, एंड गेम है कि डॉल्स आउट से, बॉलपोन है, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन, चार ऑप्शन है क्या हो सकते हैं। तो इसका जो सैमुअल बकेट ने लिखा है एंड गेम लिखा हुआ है प्ले, बाकी उनकी नॉवेल है। हु रोट द टाइगर डज नॉट प्रोक्लेम इस टाइगर ट्यूड, तो जो उसमें बता रहा है टाइगर डज नॉट प्रोक्लेम इट्स टाइगर ट्यूड, तो ये किसने लिखा हुआ है 180 का, तो 180 का हो जाएगा होल्सोएंका, ये भी मॉडर्न राइटर है, इसको देखिए होल्सोएंका से भी क्वेश्चन बने हैं। डिड ही, अब 181 पे देख लेते हैं, 200 क्वेश्चन है जल्दी जल्दी। डिड ही हु मेड द लैम मेड द अपेयर इन द पोएम, यानी डिड ही हु मेड द लैम मेड द, यह लाइन कहाँ ली गई है, तो 181 की अगर बात करें तो टाइगर्स में यह लाइन ली गई। इन द फॉरवर्ड द टू कांथापुरा, राजा राव डिस्क्राइब कांथापुरा एज अ, एज अ कांथापुरा क्या है, तक एज अ कांथापुरा शीतला पुरांत लेजेंटली प्रेस से लिया गया है। हु एमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ग्रुप यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी आपने पढ़ा होगा कि उसमें से कौन सा मेंबर ऑफ इसमें नहीं है, कि बेन जॉनसन है, कि थॉमस ने है, कि क्रिस्टोफर मार्लो, कि जॉर्ज मार्स, जिसमें रहते हैं थॉमस नॉर्थ रहते हैं, जॉर्ज पीले रहते हैं, क्रिस्टोफर मार्स रहते हैं, तो इसमें बेन जॉनसन जो है वह यूनिवर्सिटी विट का हिस्सा नहीं थे। तो अगला क्वेश्चन 184 पर देख लेते हैं। द ग्रेट गेट्स बाय इज रिटन बाई, ग्रेट गेट्स बाय किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे पूछा गया है तो बी होगा, या फिर स्कॉट फिट्ज़गेराल्ड के द्वारा लिखी गई है। ठीक, 185 देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड बीवुल्फ, बीवुल्फ को जो पहली रहती है वर्क रहता है वह किसके द्वारा ट्रांसलेट की गई है, तो सीधे 185 का सी, सैमसन हेने के द्वारा, सीमस हेने के द्वारा लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिट क्रिटिक यूज द टर्म गाइनो क्रिटिसिज्म फर्स्ट टाइम, तो जो गाइनो क्रिटिसिज्म का जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था किसके द्वारा किया गया था, एलेन सुरवाल्टर के द्वारा, काफ़ी कई बार पूछा गया, यानी आपको क्रिटिसिज्म पे ही वर्क करना है, थोड़े बड़े एक दो क्वेश्चन इस बार पूछे जाने तय हैं। एनाग्नोरिसिस इसमें दिया गया है, एनाग्नोरिसिस इज द टर्म यूज बाई एरिस्टोटल इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, एनाग्नोरिसिस जो टर्म था किस ऑर्डर को डिस्क्राइब कर, द मूवमेंट ऑफ डिस्कवर बाई प्रोटागोनिस्ट, यानी यही पहला ऑप्शन ही आपका सही, यानी ए फॉर अमेरिका। 188 का देख लेते हैं। ओनली कनेक्ट द एपिग्राफ टू ए नॉवेल, ओनली कनेक्ट किसका एपिग्राफ, एक नॉवेल का जो इसमें दिखाया जाता है, तो वो है ई एम फॉस्टर की नॉवेल है जो इसमें दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 189 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल मेक द इंटर टेक्सुअल रिफरेंस ऑफ जेन एरी, यानी जेन एरी के इंटर टेक्सुअल जो है रिफरेंस को कौन दिखा रहा, कौन सा नॉवेल शो कर रहा है, तो इसको आपको देखेंगे कि जेन एरी के नॉवेल को वाइल्ड सैरागोसो सी के द्वारा देखा गया। 190 में देख लेते हैं। जी एम कोटजी पोस्ट मॉडर्न रिटेलिंग किसका रहता है, इवान हो, इविलना, द मोनस्टोन एंड रॉबिन्सन क्रूसो, तो 190 का सीधे रॉबिन्सन क्रूसो का है, जे एम जेस्टनी। ठीक, द अप्रेंटिस इज द रिटेन बाई, अप्रेंटिस किसके द्वारा रिटी गई है, अरुण जोशी के द्वारा लिखी गई है। सेरिडन्स फर्स्ट प्ले वाज, सेरिडन का फर्स्ट प्ले कौन सा था, तो इसमें आप देख लेंगे सेरिडन द राइवल इनका फर्स्ट वर्क था। द टर्म कैंपस नोबेल इज एसोसिएटेड विथ, कैंपस नोबेल किससे एसोसिएटेड करती है, किंग्सले एम्स, इसमें सही ऑप्शन डी फॉर डॉग, किंग्सले एम्स से जो कैंपस नोबेल थी वो बिलोंग करती थी। देखिए लिटरेरी टर्म का क्वेश्चन था वो। द लाइन आई एम नो प्रिंस हेमलेट नॉर वाज मीन टू बी अपेयर इन टी एस एलियट, यानी किसमें लाइन ली गई, आई एम नॉट द प्रिंस, मैं प्रिंस हेमलेट नहीं है, ना ही उसके जैसा हो सकता हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ प्रिंस हेमलेट, यह लाइन कहाँ से ली गई है, तो आप अगर पढ़े होंगे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड वुडक्रॉफ्ट, तो वहाँ की लाइन है। 195 का देख लेते हैं।
भोसला इज द करेक्टर किसमें प्ले, भोसला करेक्टर किसमें आता है, तो जॉन बेविस्टर की जो प्ले रहती है उसमें यह करेक्टर अपेयर होता है। 196 देख लेते हैं, द प्ले ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट इज रिटन बाय, ए प्ले जो होती है डांस ऑफ फॉरेस्ट किसके द्वारा लिखी गई रहती है, तो इसका सी होल स्वयंका, यानी होल स्वयंका का भी वर्क आपको देख के जाना है कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। 197 का देख लेते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज्ड एक्सप्रेशन टू कल्चर, यानी देखिए लिटरी कर ये इसमें कॉन्सेप्ट दिखाया गया लिटरी क्रिटिसिज्म का, तो टू कल्चर के कॉन्सेप्ट को सीधे सीधे टी एस एलियट देते हैं, मैथ्यू हॉनन और डोमेड विलियम, ए सी पी स्नो के द्वारा दिया गया है। ब्लिस वाज इन दैट डाउन टू अलाइव बट वी आर यंग वेरी हैवन ऑकर द पोएम, वी आर विलियम वर्ड्सवर्थ की काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम होती है और इसी को माना जाता है कि जिससे फ्रेंच रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है, ब्लिस वाज डाउन इन हैवन, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ से एसोसिएटेड है। ठीक, इन द वेस्ट लैंड इलियट यूज एक्सप्रेशन इन मिगलिरो फेब्रो इज रिफर टू, कहाँ से लिया गया है, सीधे से इजरा पोंड अगर ऑप्शन में है तो आप आंख बंद करके इजरा पोंड को मारेंगे। द टर्म, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 200, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस डिराइव फ्रॉम द राइटिंग, देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, अगर इसको आपको पता है तो आप लोग ज़रूर बताइए कि कौन है, मेरी सिंचलर हैं, डोरोथी रिचर्डसन हैं, कि विलियम जेम्स हैं, कि जेम्स जॉयस हैं। अगर इसकी बात करेंगे कि इसके कौन हैं, तो ये आपके विलियम जेम्स हो जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को। ठीक, तो ये ओवरऑल आपका जो आज का सेशन था कि ये क्या था। अगर इस पेपर को आप लोग पीडीएफ मंगवाना चाहते हैं तो सिंपली 7007 पे 354360 पे NBS TGT 2014 लिख के भेज देंगे तो आपको इसका पेपर का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर स्टडी मटेरियल और आप नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप सिंपली वहाँ पे मंगा सकते हैं। ओवरऑल ये पार्ट वन, इसका पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे कॉमन पेपर की। तो ओके, थैंक यू, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, अगर आपको जरूर कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और भी अनसॉल्व पेपर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करिए, उस पर और भी वीडियो बनाए जाएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।